उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने आजीविका महोत्सव में शामिल होकर 202 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योजनाओं के लोकार्पण के बाद सीएम धामी ने रोड शो कर हवाल बाग में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत होने का दावा किया और बीते दिन हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर सीएम धामी ने अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं और जिस प्रकार से आज हमारी मातृशक्ति लगातार प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है और अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, उनको एक मंच मिले, उनका प्रोत्साहन हो, उनकी उनका उत्साह बढ़े, उसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उनके उत्पाद आ रहे हैं, जिस प्रकार के स्टॉल लग रहे हैं, प्रदर्शनी लग रही हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है मातृशक्ति को आगे लाने का, और इस सामान्य बजट में भी उन्होंने इस बार जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो संख्या है वो बढ़ाई है, उसको लक्ष्य और बड़ा किया है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 1 करोड़ और बढ़ाया है, तो उत्तराखंड के अंदर भी हमने विशेष रूप से इसको फोकस किया है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और उनको उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका एक विपणन के लिए अच्छा मंच मिले, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से मंच भी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए।